तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं उदयगिरी और आज हम भी जाएंगे रत्नागिरी की तरफ। तो उदयगिरी रत्नागिरी आपका जाजपुर में आता है, एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं। तो अभी कोविड के टाइम पे यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं है और आपको विंटर में ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अगर पहले भी यहाँ पे कोई आया होगा उनको पता होगा कि क्या क्या यहाँ। प्लीज़ प्लीज़ बोलो कुछ, बोलो कुछ। हेलो 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 माई यूट्यूबर फैंस, वेलकम बैक। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन सा चैनल है आपका? यूट्यूब लिंक चैनल बोलो। मेरा वैसे कोई यूट्यूब है नहीं, यूट्यूब चैनल कोई नहीं है, पर होगा तो आपके चैनल में लिंक दे देना, ठीक है? आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है? इतना हमारा आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। हमको दो तीन लाख देना पड़ेगा एक वीडियो। दस लो, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो 10 लाख दे देंगे तो हम कर लेंगे आपका स्पॉन्सर, जो कि अभी हमारे पास वो मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पुराने ज़माने का स्विमिंग पूल। तो पुराने ज़माने में सब कहाँ आके स्विमिंग करते थे ये आपको देखने को मिलेगा। पर ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है हमें, यहाँ पे पानी भर चुका है यहाँ तक। एक सीढ़ी, एक दो तीन या चार, कितना सीढ़ी इसके अंदर डूब गए पता नहीं। तो अभी तो नज़ारा देख लो, गुफा जैसा है, एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गुफा जैसा है जहाँ पे सीढ़ियाँ। देखो भाई यहाँ पे कुछ लिखा है, जिसको पता है मुझे बता देना भाई, मुझे तो नहीं पता क्या लिखा है। मेरे से पूर्ण थिला है। ये सब छोटा छोटा रूम है जिसका ये डोर यहाँ पे लगा हुआ होगा पहले ज़माने में, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे रोशनी के लिए कुछ लालटेन वगैरह यहाँ पे रखा जा रहा होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जो यहाँ पे रहते थे बुद्धिज़्म के लोग, वो यहाँ पे मेडिटेशन किया करते होंगे। ऊपर का छत नहीं है या था, अभी टूट गया है ये मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि मैं बुद्धिज्म के ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं किया हूँ। जो लोग सब रिसर्च कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या क्या सब यहाँ पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं बुद्ध जी का पोस्चर, इसमें वो मेडिटेशन किया करते थे यही पोस्चर में। साइड का व्यू तो आप सब देख रहे होंगे, ग्रीनरी से भरा हुआ है। उदयगिरी आपका लार्जेस्ट बुद्धिस्ट साइट है उड़ीसा में और यहाँ पे बहुत सारे बुद्ध जी का मूर्तियाँ भी है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इनको सब मिट्टी से खोद के निकाला गया है और ऊपर से ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
और बीच में यहाँ पे मीटिंग पॉइंट भी है। सेंचुरी की है, जिस समय कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं करते थे, कारीगर अपने हाथ से ही इतना सुंदर मूर्तियाँ पत्थर में बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और उदयगिरी के पास ही आपका रत्नगिरी एंड ललितगिरी आता है, जिसको डायमंड ट्रायंगल भी बोलते हैं। सारे मूर्तियाँ को खोद के निकाला गया है और ऐसे बहुत सारे कीमती प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनका देख रेख अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये जगह बहुत ही सुंदर है। और जिसको यहाँ पे आना है, डिस्क्रिप्शन में मैं मैप का लिंक दे दूँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड वेट करो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, bye bye, take care, ride safe।